17 सितंबर को हर साल पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, और वैसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिवस भी इसी दिन पड़ता है, और इस वर्ष वो 70 वर्ष के पूरे हो गए और उनको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं हटिया में और हमारे साथ मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष भुवन सिंह मौजूद हैं, क्योंकि मज़दूर की अहम भूमिका होती है कोई भी यंत्र बनाने में, या जो कार्य होता है वो मज़दूर ही करते हैं। तो विश्वकर्मा के अगर सही निर्माता अगर कहा जाए तो वो मज़दूर है। तो हम सीधे मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष भुवन सिंह से जुड़ते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे सवाल हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो एज है HEC में, ऐसी बातें चल रही है केंद्र सरकार की ओर से कही गई है कि एज जो है 55 वर्ष से जो उम्र के लोग हैं उनको रिटायरमेंट की ओर मांगा गया है, ऐसा कुछ है, क्या मानते हैं इस फैसले को? ये फैसला बहुत ही मजदूरों को एक तरह से बीच रास्ते में जिसकी हत्या हो जाती है उस प्रकार का एक खंजर भोंकने का काम होगा, और मजदूर इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कारखाना का ही है, बल्कि सरकारी कर्मचारी से लेकर के रेलवे से लेकर के पोस्ट ऑफिस से लेकर के और फैक्ट्री से लेकर के सरकार के सभी संस्थानों में ये चीज़ों को लागू करने के लिए उन्होंने डाटा अभी मंगाया है और सारे मैनेजमेंट को दिया है कि आप इस 55 साल में कितना आदमी जा सकता है, 55 साल या 30 साल जिसकी नौकरी हो गई है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले है उसके अनुसार उसको रिटायरमेंट होना है। अब प्रश्न उठता है कि इस समय में आदमी जो है 55 साल जो उसकी सर्विस बचती है 60 साल के लिए, उसमें उस सबसे ज़्यादा अपने ज़िंदगी के सारे कमाई को जोड़ करके बच्चों की पढ़ाई वगैरह करने के बाद ये निश्चित करता है कि अब हमें घर बनाना है या क्या करना है, उसकी प्लानिंग 2 सालों में करता है और 3 साल में उसको मूर्त रूप देता है ताकि हम अपने ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद हम कहाँ रहेंगे। अगर क्वार्टर नहीं खरीदा है, बिक्री में नहीं खरीदा है, अपार्टमेंट नहीं खरीदा है, ज़मीन खरीदा है या ज़मीन खरीद करके हम कहाँ बनाएंगे, ये सारे अपनी सुविधा के अनुसार उसकी एक प्लानिंग 3 सालों में करने के बाद रिटायरमेंट तक उसको मूर्त रूप देता है अगर उसके पास पैसे हैं। बाकी समय में तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका जो भी करना है, शादी विवाह, सामाजिक दायित्व प्लस जो शैक्षणिक दायित्व है उसका निर्वहन करता है। इसमें इससे ज़्यादा उसको उसमें कर भी नहीं कोई पाता है, उसकी सारी कमाई उसी में चली जाती है। अच्छा, निजीकरण की बात चल रही है, कई चीज़ों को निजीकरण किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, HEC को भी निजीकरण करने की बात चल रही है, क्या मानते हैं इस फैसले को, निजीकरण को लेकर, जैसे कोयले के सेक्टर में किया जा रहा है, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, वैसे में आप लोग मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, क्या मानते हैं इस फैसले को, मजदूरों पर क्या असर पड़ेगा इस फैसले को लेकर? इस निजीकरण का मतलब है, पहले रियासत था आज़ादी के समय में, वो रियासतीकरण है इसका, मतलब हर जगह एक जैसे दरभंगा नरेश, डुमराव महाराज इस तरह के जो थे, उसी तरह के ये बड़े बड़े अंडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, गोयनका, मुफतलाल, ये जितना सब है ये बड़ा बड़ा नरेश बनेगा, मतलब उद्योग का मालिक बनेगा, उसमें और एक बड़का रहेगा जैसे दरभंगा नरेश कहलाते थे, मैंने राजाओं में भी राजा हैं, तो उस तरह से सबसे बड़ा पूंजीपति कॉरपोरेट घराना कौन, उसका बहुत सब कोई मानेगा, उसी तरह से ये रियासतीकरण है। और दूसरा है कि मजदूरों में जब ज़मींदारी था जिस पर रियासत था तो बाकी सब थे, मालिक मर्जी पर उनका हंसना होता था, वो जो कहता था उनको करना पड़ता था, मालिक खुश तो लोगों को दान देता था। आज जो ये सब जो देख रहे हैं, जो देने का जो परंपरा है कि हम इतना अनाज देंगे, फलाना देंगे, ढिकाना देंगे, आज के कोविड में देना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसी तरह की प्रवृत्ति वो पैदा कर रहा है ताकि हम लोगों को भूखा नंगा रख सकें, मतलब स्लेवरी सोसाइटी का पुनर्जन्म लगना चाहते हैं। लेकिन इतिहास का चक्का पीछे क्यों नहीं जाता, हमेशा इतिहास अपने रेडियली में आगे की ओर बढ़ते रहता है। अच्छा, आज आप लोग बैठक करने वाले हैं,
देश की आर्थिक व्यवस्था और जीडीपी तो कमज़ोर हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, लेकिन पूरी विश्व में ही कई देशों के आर्थिक व्यवस्था गिरी है, नीचे आई जीडीपी। वैसे में आप लोग जो बैठक कर रहे हैं आज मजदूर यूनियन की ओर से, इसमें क्या कुछ बातें रखी जाएंगी और किन चीज़ों के मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी? आज का मुख्य मुद्दा है दो बातें हैं, 55 साल उम्र हो या 30 साल नौकरी कर लिए हों, और दूसरा इसी से सवाल जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए और मैं बताना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि जब ये रिटायरमेंट हो जाएगा तो पहले ही संख्या बहुत कम हो गई है, उस पर 12 घंटे काम का अधिकार आने जा रहा है और यही लोग से जो लोग बच जाएंगे उनको 12 घंटे खटना होगा। इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा, मूल्य जो है घटेगा 8 घंटे से 12 घंटे का, 12 घंटे का काम। अब थ्योरी ये हो रहा है कि 8 घंटा काम का मतलब क्या है, आ तो 8 घंटे का हम आपको काम दिया, अब वो 12 घंटे में कीजिए या 14 घंटे में कीजिए, उसको आपको पूरा करना है तभी आपकी हाजिरी होगी। ये रियासतीकरण है, मजदूर को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है, लेकिन आज के युग में वो ठीक हिटलर की तरह ही राज करना चाहते हैं और हिटलर की तरह ही जाना पड़ेगा, और हिटलर को समाप्त किया लाल झंडे के लोगों ने। इस मोदी सरकार को मजदूर से टकराने का अंजाम निश्चित तौर पर, और ये भारत जाम के रूप में आएगा, और 23 तारीख को पूरे देश के अंदर में विरोध हो रहा है। दूसरा बात है कि निजीकरण का मतलब होता है आपके हाथ से नियंत्रण को ख़त्म होना और मजदूरों को कम मजदूरी मिलना, मुनाफा ज़्यादा होना। निजीकरण का मतलब है मुनाफा कमाने के लिए चमड़ी से दमड़ी कैसे निकाला जाए, उसके लिए सारे कानून को ख़त्म किया जाए, ये है टोटल बात। तो हमारे साथ थे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भुवन सिंह, कई चीज़ों को बताया है और आगामी 23 तारीख को पूरे देश के मजदूर एक होकर आवाज़ उठाएंगे, और जिस तरह से निजीकरण की बात चल रही है और चमड़ी से दमरी निकालने की बात कही जा रही है, 8 घंटे काम कराने की बात थी लेकिन अब 12 घंटे काम कराए जाने की बात कही जा रही है, और उम्र को लेकर 55 वर्ष जो रिटायरमेंट 55 वर्ष में रिटायरमेंट कर जा देने की जो बात कही जा रही है, ये इन सभी चीज़ों को खंडन करते हुए अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे। आज विश्वकर्मा दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिवस है, और ऐसे में हिंदुस्तान के मजदूर काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इनकी जो ये मजदूर की जो हक की लड़ाई है, इनको बुलंदी के साथ आवाज़ उठाएंगे और निश्चित से मजदूरों को जो हक है वो मिलने की बात जरूर विश्वकर्मा पूजा के दिवस पर पूरा होने की उम्मीद है। सनमार्ग लाइव के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।